हाय एवरीवन, वेलकम टू गार्डन क्लास। आज के सेशन में देखेंगे कि ये चंपा चंपा में कैसे ग्राफ्ट किया जाता है। ये सफ़ेद चंपा में हम ये लाल चंपा से ग्राफ्ट करने वाले हैं। इसमें हमने लाल चंपा और नाग चंपा से पहले भी ग्राफ्ट किया, ये आप देखें। सबसे पहले टूल को सैनिटाइज कर लेते हैं चंपा का, और इस सफ़ेद वाले चंपा की एक टहनी हमने चुन ली है। इसमें हम स्प्लाइस ग्राफ्टिंग करेंगे, इसको विप ग्राफ्ट भी कहते हैं और इसको स्प्लाइस ग्राफ्ट भी कहते हैं, जिसमें हम एक सलेंटिंग कट लगाते हैं। इसमें कोई वी कट नहीं लगाते, इसमें सिर्फ एक सलेंटिंग कट लगा के हम एक स्प्लाइस फॉर्म कर लेते हैं। रूट स्टॉक में देखिए, रूट स्टॉक को हमने काट लिया है, एक सलेंटिंग कट लगाया है और इसको इसके सैप थोड़े थोड़े से टॉक्सिक होते हैं, तो थोड़ा ग्लव्स ला के करें तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ग्लव्स लगा लें ताकि स्किन का कांटेक्ट कम हो। ये देखें, इसको हम शेप देके, क्योंकि विप ग्राफ्ट भी इसको कहते हैं और स्प्लाइस कहते हैं, तो इस तरह से हम एक सलेंटिंग कट लगा लेंगे रूट स्टॉक में। वो रूट स्टॉक है जो मेन प्लांट है, उसमें हमने सलेंटिंग कट लगा लिया। और अब ये देखिए, जो लाल चंपा का जो एक ब्रांच हमने दूसरे साइन है जो लाल चंपा का हमने दूसरे प्लांट से काटा है, इसमें भी उसी के मैचिंग का सलेंटिंग कट लगा लें ताकि दोनों को जब आपस में प्लेस करें तो पूरा मैच हो जाए। एक्सैक्टली कट है, इस तरह से कट लगा के उसको प्लेस करके देख लें कि एग्जैक्ट मैच कर रहा हो, दोनों की मैचिंग होनी चाहिए। इसी को ही स्प्लाइस ग्राफ्टिंग कहा जाता है, इसको विप ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। इसी में अगर हम टंग फॉर्म कर दें अंदर की तरफ कट लगा के दोनों में, तो उसे विप एंड टंग ग्राफ्ट कहा जाता है। वो भी एक वीडियो हम डालेंगे जिसे आप देख सकते हैं, विप एंड टंग ग्राफ्टिंग का। तो ये बेसिकली स्प्लाइस ग्राफ्टिंग है। इस तरह से हमने दोनों को बिठा के चेक कर लिया है कि दोनों अच्छी तरह से सेट हो रहा है। अब इसको इलेक्ट्रिक टेप या पॉलीथीन स्ट्रिप से या फिर ग्राफ्टिंग टेप से इसको बहुत ही जेंटली, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा, जेंटली इसको रैप कर लें। इस तरह से एक तरफ से रैप करते हुए पूरा कवर कर दें ताकि उसके अंदर किसी तरह का मॉइस्चर नहीं जाए और इस कटिंग का मॉइस्चर भी नहीं निकलना चाहिए। इस तरह से बहुत जेंटली इस तरह से इसको अच्छा से रैप कर लें जेंटली, ताकि पूरे पोर्शन यहाँ से वहाँ तक रैप हो जाए। और ध्यान रखें कि कोई पोर्शन जो ओवरलैप हुआ उसका कोई भी पोर्शन कहीं बचना नहीं चाहिए। ये देखें, इस तरह से हमने रैप कर लिया है और इसके बाद इसको हमने एक पॉलीथीन से कवर करके रस्सी से बांध दिया है। इसका अपडेट हम 3 से 4 हफ्ते बाद आपके साथ शेयर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू सो मच।